विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। इस दौरान विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं लचर अवस्था में हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल अचानक कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की तबीयत बिगड़ी और उन्हें दून अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ हृदय रोग डॉक्टर ही नहीं है। जब राजधानी के ये हाल हैं तो चार धाम यात्रा में क्या हालात होंगे। वहीं विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि जब मंत्रियों को ही इलाज नहीं मिल पा रहा है तो आम आदमी को कहां से इलाज मिल पाएगा। प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो खुद ही बीमार है, और जब परिवहन मंत्री जी असहज हुए उनको दून मेडिकल कॉलेज वहां ले जाया गया, और वहां पर हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं था। ये हालत की स्थिति जब राजधानी के अंदर है तो फिर चार धाम में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होंगी, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि हम स्वयं भी वहां माननीय मंत्री जी को देखने गए थे मैक्स में। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब प्रदेश के माननीय मंत्रियों की को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है उस मेडिकल कॉलेज में, और गाड़ियों को चाहे वो कहीं चारधाम यात्रा में भेज दिया जाए कहीं जाए, तो उसके अन्यत्र वैकल्पिक व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। बड़े दुख का विषय है जब एक प्रदेश सरकार के मंत्री के साथ आज ऐसा हो रहा है, तो एक आमजन को वहाँ पर सुविधा कहाँ पर मिलेगी। ये निश्चित रूप से बड़ा शोचनीय विषय है, सरकार के लिए बहुत गंभीर विषय है।